हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम 36 टू 40 एमसीक्यू पेपर नंबर 2 के सॉल्व करेंगे। इसमें से 36 नंबर का एमसीक्यू ये है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44, देन द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। सर्कल के अंदर जो स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, सर्कल के अंदर जो स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है उसका हमें लेंथ ढूंढना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सो 2πr इज इक्वल टू 44। सो 2πr इज इक्वल टू 44, सो इट विल बी 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। सो इट विल बी आर इज इक्वल टू 44 × 7/2 × 22। नाउ 22 2 22 = 44, 22 22 कैंसल, सो आर की वैल्यू हो गई 7। सो रेडियस इज 7, राइट? अभी रेडियस 7, तो डायमीटर इज 2r, 2 × 7 एंड दैट विल बी 14। सो डायमीटर विल बी 14। नाउ let me draw the diameter of a circle. So if I draw something like this, right, so this is diagonal of a square and diameter of a circle, right, because both the endpoints are on circle and passes through a center. So this is diameter of a circle and diagonal of a square. Abhi friends, yahan pe compulsory 90 because ye square hai, theek hai? ये दोनों साइड सेम, लेट्स अज्यूम एक्स एक्स एंड दिस इज 14, राइट? बिकॉज इट इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सो इट इज 14। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स नेम इट ए बी सी एंड डी। नाउ लेट्स फाइंड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम व्हाट इट विल बी, इट्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC square. Now value of AB is x. So friends, x square plus x square is equals to 14 square. So now it will be 2x square is equals to 196. अगर आपको ये नहीं आता है तो आप 14 × 14 कर सकते हो, right? Unit के लिए 0, 1 × 4 = 4, 1 × 1 = 1, 4 × 4 = 16, 1 × 4 + 1 = 5. 691, so 196, right? So x square is equals to 196 divided by 2. So x square is equals to 98. Now we need the value of x. So kaise karenge? X is equals to under root 98. X is equals to 98 ka prime factorization kar denge. Prime factorization kaise karte hai? 98 to 7 7 1, so it's 2 × 7 × 7. now 7 बाहर आ जाएगा, जिसकी टीम बनती है वो रूट के बाहर आता है। सो 7√2, सो मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 7√2, दैट इज माय ऑप्शन बी। आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज 37th एमसीक्यू। अभी फ्रेंड्स ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया कि रेडियस अगर 10% बढ़ाया जाता है तो एरिया में कितना डिफरेंस आता है। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि अगर आर 10 है, अभी 10 ही क्यों, सपोज किया कोई भी नंबर लेना है जिसका 1% निकालना इजी हो, नॉन डेसिमल हो, ठीक है? कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन विद टू एग्जांपल्स सो दैट यू कैन वेरीफाई कि कोई भी एग्जांपल लो आपका आंसर सही आएगा। सो आर इज इक्वल्स टू 10 लेंगे तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट? पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते, आर की वैल्यू कर देते 10 × 10, सो ये हो गया 100π। So let's keep it here. Now r is equals to 11, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है। अभी pi r square, pi into 11 into 11, so that is 121π. अभी आपको सोचना है कि 100 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। सो लेट्स टेक इट 1.21, ठीक है? देखो 100 into 1.21 करेंगे तो 121 आ जाएगा। अभी आप सोच रहे हो कि मैं ये एग्जाम्पल के साथ अग्री नहीं हूं, मैं अगर अलग एग्जाम्पल लेता हूँ, डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूँ तो क्या होगा? तो आप डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट्स टेक इट 20 and 22, बिकॉज 20 का 10% 2 होता है, सो 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22। अभी
अगेन फॉर्मूला लगाते थे पाई आर स्क्वायर पाई आर की वैल्यू 20 × 20 दैट इज 400 पाई हियर 22 सो पाई इंटू 22 × 22 राइट हम 22 लेते हैं तो अभी 22 × 22 करेंगे फ्रेंड्स 22 नहीं आता है तो आपको लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन ही करना है यूनिट के लिए 0 2 × 2 = 4 2 × 4 2 × 4 2 × 4 4 8 4 so this is 4 8 4 pi अभी आप 400 को फ्रेंड्स 1.21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 484 ही मिलेगा ये यूनिवर्सल है अगर 10% एरिया बढ़ाया जाएगा तो 1.21 टाइम्स एरिया बढ़ेगा ठीक है सो लेट्स वेरीफाई 400 × 121 इट विल बी लॉन्गर यूनिट के लिए 0 टेंस के लिए 0 10 × 0 14 × 4 यूनिट के लिए 0 10 का करते 20 × 0 20 × 0 24 × 8 10 × 0 10 × 0 14 × 4 सो इट विल बी 00484 इसमें हमने दो पॉइंट इग्नोर किए सो लेट्स पुट पॉइंट ओवर हियर 484 सो आ गया तो कोई भी एग्जांपल लेंगे 10% अगर एरिया 10% अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो एरिया 1.21 टाइम्स ओरिजिनल एरिया से हो जाएगा तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है अभी फ्रेंड्स ये इंटरेस्टिंग है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सर्कल के अंदर जो स्क्वायर है उसका एरिया हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद रेडियस 35 सेंटीमीटर इज तो हमें इन शॉर्ट लेंथ ढूंढनी है प्रीवियस टू प्रीवियस पेज पे हमने किया था लेंथ ढूंढने के बाद एरिया भी ढूंढना है लेंथ इज नॉट इनफ वो केस में हमें सिर्फ लेंथ ढूंढनी थी सो लेट्स स्टार्ट दिस इज 35 सो रेडियस इज 35 सो डायमीटर विल बी 70 राइट एंड यू कैन सी मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ये जो लाइन मैंने बनाई दैट इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल राइट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल सो लेट्स स्टार्ट डी इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर बिकॉज 2 टाइम्स रेडियस नाउ हमें एरिया ढूंढना है एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास ए बी बी सी सी डी ए डी में से कोई भी एक साइड होनी चाहिए तो हम क्या करते हैं लेट्स टेक इट एक्स एंड लेट्स टेक इट 70 सो लेट्स स्टार्ट पाइथागोरियन थ्योरम यहाँ पे 90 ही होगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट जहाँ पे राइट एंगल है उसके एडजेसेंट साइड इक्वल टू एक साइड आएगी सो लेट्स स्टार्ट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर ए बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है दैट्स एक्स दैट्स एक्स एंड दैट्स 70 होल स्क्वायर सो दैट्स 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4900 सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4900 अपॉन 2 सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 2 = 4 2 × 4 = 8 2 × 5 = 10 एंड 0 अभी फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो गया अभी इसको आप सोच रहे हो कि आपने साइड तो ढूंढी नहीं मैंने साइड इसीलिए नहीं ढूंढी कि अगर साइड आप ढूंढते हो तो इसका रूट लिया जाएगा ठीक है सो लेट्स से x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2450 फिर एरिया ढूंढने के लिए वही फॉर्मूला l इंटू l लेंथ हमें मिली है 2450 इंटू 2450 तो अगेन क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा 2450 ही राइट टू टाइम्स लिखेंगे तो इट विल बी अगेन 2450 ओनली सो दिस इज माई आंसर 2450 सॉरी इट्स जस्ट मिस्टेक ऑफ माई पेन एंड टैबलेट सो दिस इज द 2450 इज माई आंसर सो दिस इज द आंसर दैट इज द ऑप्शन बी सो 2450 इज माई आंसर लेट्स सॉल्व द 39th MCQ इसमें हमें बोला गया है सेंटर ऑफ रेडियस 6 सो ये मैंने बना दिया रेडियस 6 दिस रेड एज सेंटर ऑफ रेडियस 6 आर के बी सी इज अ मेजर आर्क सो दिस इज माय मेजर आर्क आर के बी सी इज मेजर आर्क ए ओ सी इज 60 सो इट इज 60 देन लेंथ ऑफ मेजर आर्क के बी सी इज मेजर आर्क के बी सी की लेंथ ढूंढनी है और इसमें फ्रेंड्स पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है क्योंकि चारों चार ऑप्शन में आपको पाई दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स तो इसमें एक टेक्निक है क्या करेंगे पूरा सर्कमफेरेंस ढूंढ लेंगे सर्कमफेरेंस इंक्लूड्स होल सर्कल एंड देन उसमें से लेंथ ऑफ माइनर आर्क ये माइनर आर्क है इतना स्टार्टिंग फ्रॉम हियर मैं हाईलाइट कर रहा हूं
ये जो इतना है वो माइनर आर्क है, ठीक है, यहाँ तक। सो इतना हम ढूंढ के माइनस कर देंगे तो बाकी का मेजर आर्क। तो सबसे पहले सर्क्यूम्फ्रेंस, सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, 2 × π इंटू आर इज वॉट 6, सो दैट इज 12π। पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन में पाई दिख रहा है, सो 12π सर्क्यूम्फ्रेंस। अभी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज डिनोटेड बाई एल, लेंथ ऑफ माइनर आर्क पाई आर थेटा अपॉन 180। नाउ पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, ठीक है, आर की वैल्यू दैट इज 6 इंटू थेटा दैट इज 60 अपॉन 180। 60 3 180, और वी कैन से 0 0 कैंसिल, 6 3 18, 3 2 6, सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज 2π। सो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, सो मेजर आर्क लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ दिस लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर आर्क आर्क इज इक्वल्स टू 12π माइनस 2π, सो दैट इज 10π, सो माय ऑप्शन डी दैट इज 10π दैट्स करेक्ट ऑप्शन। अभी फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, इसमें बोला गया है कि इसमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसा है कि जिसमें वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है एज वी इंक्रीज द वैल्यू। सो देखो 0, फिर 0.5 आधा यानी, फिर 1/√2, सो दैट इज मोर देन दी 0.5 बिकॉज ये 2 की वैल्यू 2 है और ये वैल्यू इसकी वैल्यू 1.73 है। सो डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। अभी इस तरह से हम 1 तक पहुंच रहे हैं, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइन थीटा में है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। So I hope you understood from the MCQ 35 to 40. We will solve 41 to 45 MCQ in next video. Thank you so much.